यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रेवाड़ी में आपसी गैंगवार में गोली चलने का मामला सामने आया है। गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। रेवाड़ी बस स्टैंड, पायलट चौक और हनुमान मंदिर के पास ये गोली चली है। वारदात के बाद शहर में जगह जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको रेवाड़ी से बता रहे हैं, जहां पर गैंगवार के बीच गोली चली है और गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेवाड़ी में आपसी गैंगवार में गोली चलने का मामला सामने आया है। गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है और रेवाड़ी बस स्टैंड, पायलट चौक और हनुमान मंदिर के पास ये गोली चली है। वारदात के बाद शहर में जगह जगह पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई और घटना सामने ना आए। रेवाड़ी आपसी गैंगवार में यहाँ पर गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई है और एक घायल भी हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है और मौके पर ही पुलिस को तैनात किया गया है ताकि कोई और अनहोनी घटना ना हो। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जानकार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश शर्मा जी। क्या है पूरी जानकारी, क्या स्थिति को काबू में कर लिया गया है? स्थिति को पुलिस ने काबू में कर लिया है, लेकिन जो है सुबह पहले ही जो है सुबह 6 बजे रेवाड़ी में आपसी गैंगवार हुआ है जिसमें गोली चली है। तो जो एक पक्ष है, एक पुरानी रंजिश बताई है, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे हमला किया, उसमें एक लड़का जो सर्जीत है उसकी गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि जो उसी सर्जीत के जो पक्ष के लोग हैं उसने दूसरे मारने वाले के उस पर हमला किया, अल्लाह के डंडा से उसकी पिटाई कर दी, और जिससे दूसरे पक्ष के लड़का शशांक है उसकी भी मौत हो गई। इससे गैंगवार में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 1 घायल होने की सूचना मिली है। पुलिस ने स्थिति कंट्रोल में कर लिया है, पूरे शहर में जो पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जी कीर्ति जी, क्या इस पूरी घटना में गैंग से कोई भी व्यक्ति पुलिस के हाथ आया है? जी देखिए, पुलिस ने जैसे ही वारदात हुई है पूरे शहर में नाकाबंदी की है। अभी पुलिस का कहना है कि अभी कोई गैंग से कोई भी जो आरोपी है वो अभी हाथ नहीं आया, बाकी जो पुलिस है राउंड अप उनको जल्दी कर लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शर्मा, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। गोली लगने से यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेवाड़ी बस स्टैंड पायलट चौक पर गोलाबारी हुई जहाँ पर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया है।